आप देख रहे हैं अपना समाचार। जो भोजपुरिया लोग होते हैं, जो उनकी अपनी कहानी होती है, उनसे जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ी हुई एक कहानी है जिसका नाम है रानी वेट्स राजा। और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है दहेज, तो उसके विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाए हैं इस फिल्म के माध्यम से, और एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि दहेज नाम की कोई चीज़ जो भी है वो गलत है। और अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। और रानी मैम गाना भी गा रही हैं, पहले दफा गा रही हैं तो हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा गाना इन्होंने रैप भी किया है और क्या खूबसूरत तरीके से शूट हुआ है वो गाना, हमें विश्वास है बहुत पसंद आएगा लोगों को। हाँ, आई थिंक लोगों को पसंद आना चाहिए। और सर क्या कहना चाहेंगे, हाल फिलहाल में ये भी हुआ था कि कई जो संगठन है, बड़े बड़े संगठन है भोजपुरी के, उन्होंने तय किया कि आज यह अश्लीलता नहीं होगी उस फिल्म, उस चीज़ को लेकर क्या कहना? जी जी, उस रास्ते में, उनके रास्ते में ये बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा कदम है कि इस फिल्म में आपको कोई भी अश्लीलता देखने को नहीं मिली। लेकिन लोगों की मानसिकता की होती है कि कुछ लोग जाते हैं, मानसिकता ऐसी होती है कि वो अश्लीलता ही देखना चाहते हैं, तो कितना ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अश्लीलता ही देखना चाहते हैं, अगर अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। मेरा मानना है कि जो हम दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। हाँ, हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ अच्छी चीज़ें ही आएंगी, तो फैमिली के साथ भी आएंगे देखने के लिए। कहीं ना कहीं फैमिली छूट चुकी है पीछे, तो मुझे लगता है कि अब जब इस तरह की फिल्में आएंगी तो लोग ज़रूर फैमिली के साथ आके देखेंगे। जी आनंद जी, आप पीछे क्यों? आनंद जी किधर है? पिताजी ने मांगा था। अच्छा, जरा दहेज में रितेश पांडे ने क्या मांगा या उनके परिवार ने क्या मांगा जरा बता दीजिए, वो आप लोग फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, फिल्म देखने में पता चलेगा। अच्छा रितेश जी, सबने कभी सोचा था कि रानी चटर्जी से एक दिन शादी होगी? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन ये होता है ना कि नहीं बोल पाएंगे, आपने गलत सवाल किया। खास करके मैं इस फिल्म के अनुभव के बारे में बताना चाहूँगा। रानी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मतलब इतनी कोऑपरेटिव हैं, और हम लोग सभी सीन्स को इतने अच्छे से हम लोगों ने शूट किया, गाने को शूट किया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, एंजॉय, तो मजा आया ये फिल्म करके। अच्छा, ये रानी वेट्स राजा ये आएगी दिसंबर लास्ट? अच्छा, हम लोग ये उम्मीद, आपकी तबीयत खराब है? नहीं, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, टोपी उतार देता हूँ, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि रितेश पांडे आज बाकायदा सेहरा वेहरा बांध के आएंगे, घोड़े वोड़े पे चढ़ के आएंगे। नहीं, शादी तो सर हो चुकी है, शादी के बाद वाला ड्रेस है हम लोगों का। नहीं नहीं, ये शादी के बाद वाला ड्रेस है। आप लोग रिसेप्शन में आए हैं सर? अच्छा, हम लोग रिसेप्शन पे आए। वैसे इतना लेट क्यों हुआ भैया रितेश? थोड़ी ट्रैफिक आज ज्यादा थी मुंबई में। कुछ कहना चाहते हैं, आपका हीरो इतना लेट आता है? ट्रैफिक ज्यादा थी, झूठ नहीं बोलते ये बात तो। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। नहीं, ये बात सच है, रितेश जी झूठ नहीं बोलते हैं, डेफिनेटली ट्रैफिक होगी इसलिए लेट हुए। वैसे अब आप, शादी तो हो गई है, अब आगे प्लान बताइए क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग मसूरी जाएंगे। क्यों? गाना शूट करने ना। अच्छा, गाना शूट करने, गाने भी लगाना। एक गाना गा दीजिए ना, रानी चटर्जी और रितेश पांडे दोनों एक साथ, थोड़ा सा का हो का हलचल वही करते हैं। हाँ, का हो का हाल चाल बा, घरवा में सब ठीक बाटे की ना, खेती बाड़ी निक बाटे की ना, कैसन बीतत बा दिन दुपहरिया, कैसन बीतत नया साल बा, कैसे बताई का हाल बा, अच्छा तोहरा बिन जियल मुहाल बा, काहे कैसे कटत बाटे दिन दुपहरिया, सुना सुना नया साल बा, ए हो का हो का हाल चाल बा। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें। सबसे बड़ी बात कि रानी जी ने पहली बार गाना गाया है किसी फिल्म में और इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है, तो आज ट्रेलर भी रिलीज हुआ है वेब चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, तो जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं,
तो उनसे निवेदन है कि वेब चैनल के जो वेब म्यूज़िक कंपनी है उसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे रानी वेट्स राजा फिल्म के ट्रेलर को देखें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम बहुत दोनों अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस फिल्म में। जैसे रितेश जी ने बताया कि दहेज प्रथा पर एक मैसेज दिया जा रहा है और शादी के बाद की जो एक लव स्टोरी होती है वो है। हाँ। और एक स्पेशल चीज़ है कि एक टाइम पीरियड होता है जिसे हम लोग उधर यूपी बिहार में कि शादी होती है पहले और 2 साल 2.5 साल या 3 साल का गौना रखते हैं। हाँ। तो वो जो टाइम में क्या क्या होता है बीच की जो लव स्टोरी है। हाँ, वो से पहले की लव स्टोरी है ये मुझे लगता नहीं कि अब तक आया है ये नहीं, टॉपिक नहीं। तो ये काफी फ्रेश है इस फिल्म में, हमारी जोड़ी बहुत फ्रेश है इस फिल्म में। पहली फिल्म है हमारी साथ में तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक बहुत पसंद करेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।